हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं काफी दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ चैनल पर। आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, क्योंकि मैं काफी टाइम से काम कर रही थी तो इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब से मेरा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कोलैबोरेशन के बारे में कि कोलैबोरेशन क्या होता है और कैसे हम ब्रांड से कोलैब कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं कि किस ब्रांड के साथ हम कोलैब करें या हमें कोलैब कैसे मिलेगा। प्रूफ भी दूंगी कि इतने कम फॉलोअर्स पे या इतने कम सब्सक्राइबर्स पे हमें कौन काम देगा, कहां से हमें ब्रांड से काम मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, हम कोलैब करेंगे कैसे, तो उसके लिए मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसका अभी स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देखिए। देखिए मेरे कितने कम फॉलोवर्स हैं और मैं कितने कोलैब कर चुकी हूँ, ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे बहुत ही कम फॉलोवर्स थे तब से मैं कोलैब कर रही हूँ। और मैं भी पहले यही सोचती थी कि कैसे ब्रांड से बातें करें, क्या करें, तो धीरे धीरे करके मैंने ब्रांड से कोलैब मांगने शुरू किए, डीएम करने शुरू किए, मेल्स करनी शुरू की, और उससे मुझे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, कोलैबोरेशन क्या होता है। कोलैबोरेशन दो तरह का होता है, नंबर वन बार्टर कोलैबोरेशन, नंबर टू पेड कोलैबोरेशन। बार्टर कोलैबोरेशन क्या होता है, बार्टर कोलैबोरेशन में आपको ब्रांड अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, वो आपको परचेज करना होता है, परचेज करके आप वो प्रोडक्ट लेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसका रिव्यू देंगे और आपको बाद में उसका कैशबैक मिल जाता है। ओके, कोलैबोरेशन क्या होता है, पेड कोलैबोरेशन में ब्रांड आपको प्रोडक्ट देते हैं और आपको रील बनाने के, पोस्ट बनाने के, स्टोरी लगाने का आपको पैसा भी पे करते हैं, तो ये होता है पेड कोलैबोरेशन। फॉल जब आप कोलैब स्टार्ट करते हैं तो आपको बार्टर कोलैबोरेशन करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अगर हम बार्टर कोलैबोरेशन करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, और धीरे धीरे फिर पेड करने स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि शुरू में जब हमारे पास कम फॉलोअर्स होते हैं तो हम इस कम फॉलोअर्स पे बार्टर कोलैब करें तो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोलैबोरेशन हमें ब्रांड से कैसे लेना है, कैसे ढूंढना है। तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे, आप अगर इंस्टाग्राम यूजर हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे ढूंढेंगे कि हमें किसके साथ कोलैब करें, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोलैब करेंगे। तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा, इंस्टाग्राम पेज ओपन कीजिए, सर्च में जाइए और सर्च में डालिए हैशटैग कोलैबोरेशन इंडिया। कोलैबोरेशन इंडिया डालेंगे तो उसमें आपका कुछ इंटरफेस खुलेगा और उसमें आपको दिखाई देंगे काफी सारे प्रोडक्ट जिन जिनका कोलैब चल रहा होगा। तो उसमें आपको अपने नीच के अकॉर्डिंग कोलैब डिसाइड करना है, चूज करना है, आप जिस तरह के वीडियोस बनाते हैं या किस तरह की आपकी ऑडियंस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको वो चूज कर लेना है। नेक्स्ट आपको उन्हें डीएम करना है। डीएम आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको देखना है जिसकी प्रोफाइल पे आप डीएम करने वाले हैं, पहले आप उसे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप उसे देखिए कि उन्होंने कॉन्टेक्ट में ईमेल आईडी डाली है या नहीं। अगर ईमेल आईडी है तो आपको प्रोफेशनली डीएम करना है, डायरेक्ट करने से बचना है। अगर उनके पेज पे ईमेल आईडी नहीं है तो आप उन्हें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो आपको डीएम में लिखना क्या है, उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स उसमें फिल कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना नाम और अपने करंट फॉलोअर्स जरूर डालिएगा, उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड देन आपको जब आप किसी ब्रांड को मैसेज कर देते हैं तो वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई देते हैं, चाहे लेट सवेर दे लेकिन रिप्लाई आपको मिलेगा। और जब आपको रिप्लाई मिलेगा तो आप, अगर आपको उन्होंने सेलेक्ट किया है कि हाँ हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, तो आप एक्सेप्ट कीजिए और बार्टर कोलैबोरेशन कर लीजिए। ये काफी अच्छा होता है और स्टार्टिंग में सबसे अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कोलैब के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।